में बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस रिटायर्ड के जी बालकृष्णन जी, मंदर कृष्ण माधव जी, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे डिफरेंट SC ST ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स और तेलंगाना आंध्र प्रदेश कोने कोने से आए हुए इंटेलेक्चुअल्स, स्टूडेंट लीडर्स, एडवोकेट्स, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स, हर कोई यहाँ बैठा, सबको मेरा जय भी। सर, हम आपको एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप तो देखे हैं देश के सामने क्या हालत है। प्रोफेसर जी, आप बालकृष्णन जी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, यहाँ भी जितने भी लोग हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, दीज आर द नॉट ऑर्डिनरी पीपल, लाखों लोगों को ऑर्गेनाइज करने वाले लीडर्स बैठे हैं आपके सामने, एक एक हजारों लोगों का मीटिंग लगाने वाले लीडर्स बैठे हैं आपके सामने, जितने भी मंच पे हमारे लीडर्स बैठे हैं, मंदर कृष्ण माधिका जी, यहाँ इतने लोग बैठे हैं साहब, बालकृष्णन साहब, एक एक लाखों लोगों से SC ST लीडर्स है ये, लाखों लोगों से मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का शक्ति है इनके सामने, मगर हमको एक दुख लगती है, जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में रोक दी थी, जितना नॉर्थ इंडिया में आंदोलन चला था उतना हम नहीं कर पाए यहाँ पे, उसकी वजह से हम ये सोचे कि इसका कोई राय नया रास्ता निकालना चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से केंद्र सरकार जो लालची होके चला रही है, जो कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, जो हमारे SC ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने का जो सोच चल रही है, इसको खत्म करने के लिए हम मंदर कृष्ण माधिका जी के नेतृत्व में यहाँ आंदोलन शुरू करने के लिए एक डिसीजन लिए। मंदर कृष्ण माधिका जी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का बयान आया था उस दिन दिल्ली में थे, उन्होंने वहां से बोल रहे थे, भाई अरे इधर तो जल रहा हमारा साउथ इंडिया, कुछ नहीं हो रहा, क्या करेंगे इसको, हम कैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में सोचो। हम बोले आप पहले आओ बैठ के बात करेंगे, जितना नॉर्थ इंडिया में हो रहा है उसके 10 गुना साउथ इंडिया में करके दिखाएंगे हम। यहाँ साउथ इंडिया का SC ST इतना वीक नहीं है, नॉर्थ इंडिया को एक रास्ता दिखाएंगे हम। नॉर्थ इंडिया लोगों को जितना आप लड़ रहे आपके साथ हमें आपसे हाथ मिलाकर कंधे मिलाकर आगे बढ़ेंगे, और केंद्र सरकार जो केंद्र सरकार में बैठे हुए ब्राह्मणवादी, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए ब्राह्मणवादी, जो ब्राह्मणवादी का विचार से आ रहे हुए जजमेंट, जो संविधान को बाजू रखकर ब्राह्मणवादी से आ रहे हुए जजमेंट को रोकने का आंदोलन शुरू करेंगे, इसके लिए हम कोई मीटिंग करना बोल के सोच के आपके पास आए। इसीलिए कैसे कोर्ट का मामला यहाँ ये चल रहा है, हमको ये समझ में आया कोई बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जो केंद्र में है मोदी सरकार की या ब्राह्मण RSS की विचारधारा से है, जो लोगों का कॉन्स्पिरेसी चल रहा है धीरे धीरे। एक तरफ तो SC ST का ऊपर 4 साल में 10-20 गुना अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं का ऊपर अत्याचार बढ़ गए, और SC ST का एम्प्लॉयज का ऊपर अत्याचार बढ़ गए, जो SCP केसेस होते हैं पूरा SC ST एम्प्लॉयज का ऊपर ही होते हैं, जो अट्रॉसिटीज होते हैं पूरा SC ST एम्प्लॉयज के ऊपर SC ST के ऊपर होते हैं। जो एक्ट आया आज तक अट्रॉसिटी एक्ट, वो तो प्रिवेंट करने को आया था ना, कितने लोगों को रोका, कितना प्रिवेंट किया, कितने लोगों को बचाया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास, मगर आज सुप्रीम कोर्ट बोलती है ये कानून खराब हो रहा है, इसके वजह से नुकसान हो रहा है, और जो अत्याचार कर रहा है उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उसको उसको आज उसका हक देना चाहिए बोल के सुप्रीम कोर्ट बोलती। मैं हम सोच रहे हैं 3000 साल से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे, 3000 साल से हमारा हमको दबाया जा रहा है, 3000 साल से हमको खत्म करा जा रहा है, हमका कोई इज्जत नहीं है संविधान में, यहाँ अपर कास्ट एक रूल, ब्राह्मण को एक रूल, दलित को एक रूल लगाया हुआ है, क्या है ऐसा तो कोई नहीं है ना। इसीलिए हम सोच रहे हैं जो मई 27 को जो वारंगल में 30 लाख
30 लाख एससी एसटी के मीटिंग करने के लिए हम जो डिसाइड किए उसका ऊपर अब तक तो हर जिले में मीटिंग हो रही है, हर एरिया में, हर गांव में तो आज तक प्रचार हो रहा है। उस दिन बहुत बड़ा मीटिंग करने की तैयार हो गई है। हर ये देश में जितने भी एससी एसटी लीडर्स है सबको उस दिन बुला रहे हैं, मगर हमको आपका ये मार्गदर्शन हम आपसे पूछ रहे हैं, कैसे ये सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से कैसे करेंगे, केंद्र सरकार को क्या डिमांड करना चाहिए। हम ये पूछ रहे हैं 9th शेड्यूल में ये एससी एसटी एक्ट को लगाओ, ये डिमांड करेक्ट है और कुछ भी लगाना पड़ेगा, ये आपको मार्गदर्शन आपको हमको करना पड़ेगा। आपके मार्गदर्शन में काम करने को हम तैयार है, आपके डायरेक्शन में हम काम करने को तैयार है। लास्ट पे एक बात बोल के खत्म करता हूं मैं, यहां पे हम अम्बेडकर आइडियोलॉजी पे काम करने वाले हैं, हम इक्वालिटी फ्रेटरनिटी पे काम करने वाले हैं, बुद्ध भगवान की जो मार्गदर्शन है उस पे चलने वाले हैं, जो वो मार्गदर्शन में चलने वाले हैं। इसीलिए हम शांतिपूर्वक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में ही काम करने वाले हैं, प्रियम्बुल बेसिस पे काम करने वाले हैं। अगर कोई फड़काने के लिए ये संविधान के खिलाफ जा रहा बोल के, कोर्ट के खिलाफ जा रहे बोल के बोलने वाले भी बहुत है, मगर हमारे हक के, हमारे हक लेने के लिए जो संविधान में है सो हक इंप्लीमेंट कराने के लिए हम लड़ने को तैयार है। आपके मार्गदर्शन दीजिए। कृष्ण माजिया जी इधर बैठे हैं, पूरे एससी एसटी लीडर्स इधर है, एम्प्लॉयज भी इधर है, ये इंटेलेक्चुअल 1,20,00,000 लोग जो तेलंगाना में यहाँ पे उसके रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने है, इसको मार्गदर्शन दीजिए। यही बात मैं खत्म करता हूँ। जय भीम।